तो मेरा नाम रजनीश सारण है और आप देख रहे हैं माँ बापू लोग्स। आप देख रहे होंगे कि यार आज ऐसे क्यों बैठना पड़ गया वगैरह वगैरह। जी हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, आज मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। सबसे पहले ऐसे बैठ जाते हैं, ये वाली अनबॉक्सिंग कुछ यूनिक हो सकती है। पर ये मैंने मंगाए थे, दिख रहा है, ये एक और ये दो, देखे अगर देख पा रहे हो और मैं अगर रिकॉर्डिंग मिस नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मैंने अमेजन से मंगाए थे, ये ऑर्डर मंगाया था मैंने, डेट 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 नहीं लिखी हुई, लेकिन आज से ठीक 4 या 5 महीने पहले मंगाया था मैंने। एमआरपी जरूर लिखा हुआ है, ये मेरे को पड़ा था ये 1124 रुपये का। हाल फिलहाल कुछ 1400 रुपये का मिल रहा है अमेजन पे। जब उनकी सेल आई थी उस वक्त मैंने ये दो मंगाए थे। इसका एक वेरिएंट आप देखोगे मेरे ऑफिस में, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो आपको पीछे जो कपड़े टंगे दिखते हैं ना, वो है। लेकिन ये आज रिकॉर्ड करना क्यों पड़ रहा है, एक मैंने घर के लिए मंगाया था, सोचा था कि घर पे दे देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, घर पे ले जाने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन लेके जाएंगे घर पे। खैर, एक को छोड़ देते हैं और एक मुझे यहाँ चाहिए अब, तो एक आपके लिए अनबॉक्स कर देते हैं। और अनबॉक्सिंग का कुछ ऐसा है कि माँ बाप व्लॉग्स पे हम इतना जुगाड़ू तरीके से करते हैं, तो देखो क्या क्या निकलता है, देख रहे हो, मैं पास आके भी दिखा दूंगा आपको। एक मिनट साइड में। सबसे पहले ये देखिए, ये कुछ प्लास्टिक का कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे 1 2 3 4 4 कंपोनेंट है। इसके बाद में आपको दिख रही है सीट्स, ये एक और ये दो सीट्स हैं, इनका भी मैं आपको बताऊँ ये सीट्स क्यों दे रखे हैं आगे वगैरह। और उसके बाद में आपको दिख रही है ये सबसे शानदार चीज, छोटी बड़ी मिला करके, और ये स्टिक्स है, बहुत सारी स्टिक्स है, ये जस्ट स्टिक्स है, दिख रही है आपको। इसके साथ में ऐसा ये स्टैक है जो बड़ी स्टिक्स का है ना। और उसके बाद में ये टायर्स है, देखो दिखाई देता हूँ आपको, टायर्स टायर्स है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है यार, कोई वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यार पता नहीं क्यों घूम दिया। अच्छा हाँ, इनमें एक लॉक सिस्टम आता है, ये छोटा सा दिखे तो इसको लॉक कर दो तो फिर टायर नहीं घूमते हैं, ये टायर है छोटे से नन्हे से। और ये होल्डर्स है, बहुत सारे होल्डर्स है, देखते हैं कि इनसे क्या बना पाते हैं। बनाना तो खैर है ही, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा है ना। जहां तक मुझे आइडिया है, जब मैंने पिछली बार बनाया था तो उस हिसाब से कुछ आइडिया लेते हैं भाई। और मुझे लग रहा है कि ये सारी इंटरमीडिएट्स वाली है, हाँ ये सही है, ये सारी इंटरमीडिएट्स वाली है। तो अब थोड़ा सा मैनुअल का सहारा लेते हैं, और मैनुअल मैंने जोश में आके फेंक दी है यार, कौन ही करता है ऐसा। हाँ ये नहीं फेंकी है, इससे क्या थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कौन सी स्टिक्स आपको नीचे लेनी है, कौन सी ऊपर लेनी है। लेने का मतलब वैसा वाला नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, और बाकी चीज़ें मैं समझ गया हूँ है ना। तो अभी देखते हैं कि इनमें क्या निकल के आता है। तो इसमें ये चार छोटी हैं, ये बहुत सारी बड़ी सी हैं, और ये सुपर बड़ी हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें सबसे पहले बनाना होगा बेस, और बेस के लिए 4 3 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 हाँ 4 3 7 चार बड़ी है, 4 3 7 होनी चाहिए, 4 4 8 है, 4 4 8 है, 4 3 7 होनी चाहिए, एक ऊपर लगती है, ठीक है 8 है, सही है, परफेक्ट है ना। तो अभी क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले ये लेते हैं, इसे लेना है हाथ में, ठीक है, फिर ऐसे कनेक्ट करना है इसको, एक दो कनेक्ट होगी, फिर ऐसे जमीन पे लेके बराबर से आपको लगाना चाहिए कि बराबर से टूट गई है, मतलब एकदम फिट हो गई है, आपको टूटने का मतलब ऐसा मत निकालना आप जो भी निकालते हैं। फिर इसमें से एक बड़े वाला जो पोस्ट होता है वो लेना है, बड़े वाला जो कवर है, और उसको ऐसे अपन स्लाइड कर देंगे जैसे मक्खन की तरह स्लाइड करते हैं लोग, हाँ ठीक वैसे स्लाइड कर देंगे। ये सबसे बेस है क्योंकि इसकी बताना कि आप बेस की तरह मजबूत करें, एक मिनट बस वक्त दीजिए मुझे थोड़ा सा, ये एक तरफ लगा एक मिनट, और ये लगा दूसरी तरफ लगा, ये है हाँ ये है इसी का, ठीक है लिखा कुछ ऐसा ऐसा है ना बना। अब इसको बेस के बच्चे करना है, बेस के केवल नीचे वो लग सकते हैं जिन्हें आपको मैंने अभी दिखाया था ना, ये टायर्स है ना, इसलिए ये बेस है। फिर अपन दो स्टिक्स और निकालेंगे,
दो स्टिक और निकाली है ना। असेंबली वैसे तो अच्छी इजी है, इजी टू ऑपरेट है, लेकिन हाँ इसको क्या है ऊपर रखेंगे थोड़ा सा कि ताकि ये ऐसे लगता है कपड़े नीचे ना गिरे अगर मेरा कुछ समथिंग लाइक दैट। तो इतना कुछ सोचने का है नहीं, बाकी आपको आइडिया आता है। वैसे भी इंडियंस को जुगाड़ होते हैं तो ये वाले जुगाड़ कुछ नए नहीं अपने लिए, ठोकना वैसे मत करना, ये वाली गलती हाथ लग सकती है, मैंने ठोकने के बाद एहसास किया कि हाथ लग सकती है, सच में लग सकती है, मजाक नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड होंगी तो आपको देख लेना कि लंबी वीडियो ना बनी, लोग इरिटेट ना हो, मैं ध्यान रखते हैं ऑडियंस कितनी छोटी हो। हाँ सही बात है, ऑडियंस कितनी छोटी हो, लेकिन गलती कर दी, पता क्या गलती कर दी अभी बताता हूँ, गलती कर दी और बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इसको हाँ इसको नीचे की साइड देना था, समझे, इसको वापस निकालो और इसको नीचे की साइड, इसको निकालो और नीचे की साइड में, ठीक है। देखिए अभी घर जाओ, मतलब एक वो जो दिखा रहा था मैं आपको लेकर, करके ये बड़ी काम की चीज़ है वैसे, देखो हम क्या गांव में रहते हैं, गांव में जगह ज़्यादा होती है वैसे, घर पे अच्छा खासा घर, बढ़िया घर बनाना है अभी तो। खैर मेरी तो ये कोशिश है कि मेरा वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे, और अगर ऐसा हो पा रहा है तो फिर ऐसे ठोक के कन्फर्म कर दे कि पूरी तरह से सेट है, समझ रहे हो, ये उसके बाद पूरा व्यवहार कुछ ऐसा ऐसा लगने लगेगा और ये दिखने में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पता है क्योंकि मेरे पास पहले से एक है तो ये दूसरा संभल कर रहा हूँ इसीलिए। और ठीक इसी तरह आप फास्ट फॉरवर्ड करते जाएगा, ठीक इसी की तरह ये इधर छोड़ देंगे साइड में, लो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको बराबर करके छोड़ेंगे, इसको ऐसे बराबर कर लेंगे और अब बराबर करके और इसे एक बार ठोक के देख लेना है कि सही है। हाँ तो सही है, उसके बाद में इसको छोड़ देंगे भाई। उसके बाद में ये तीन तीन वाला पैटर्न है, तो तीन तीन वाले के लिए इसमें से तीन स्टिक निकाल लेंगे, ये तीन स्टिक, और सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस बार तीनों स्टिक मैंने एक साथ डाली ताकि बाद में ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहे कौन सी कहाँ डाली थी। और उसके बाद में ये याद है कि इसका एक ऊपर वाले साइड जो फोल्डिंग वाला दिख रहा है ना, ये निचली साइड है और बाकी सारी चीज़ें ऊपर की साइड है। वैसे मैं इतना क्रिएटिव हूँ नहीं जितना आज इस वीडियो में बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने लाइट्स भी लगाई हैं वगैरह वगैरह, दूसरा स्टैंड भी लगाया है, जिस स्टैंड का अनबॉक्सिंग करनी है आपको, वीडियो दिखानी है, वो स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो यार ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट कोई भी नहीं करता है तो हम भी नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच समझ के सामान खरीदना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब से कमाई नहीं आती है भाई, यू हैव टू अर्न इट फ्रॉम सम सोर्सेज, अदर सोर्सेज, स्टार्टअप्स करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। वैसे हमारा एक स्टार्टअप है Information.in, अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशंस डिलीवर करते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर है wikivow.com के द्वारा, जो URL शॉर्टनर है, जो पैसे देता है लोगों को URL शॉर्ट करने के। चिंता मत कीजिए, ट्रस्टेड है क्योंकि वो हमारी ही वेबसाइट है और हम उसमें एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कमाते हैं। जब कोई आपका रेफर्ड आदमी उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे 15 से 20 सेकेंड रुकना पड़ता है, और जब वो 15 से 20 सेकेंड रुकता है उस टाइम में वो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखता है जिसका हमें इनकम मिलता है और उसका कुछ हिस्सा हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अर्निंग साइकिल इज दैट सिंपल फॉर wikivow.com। तो आज ही ट्राई कीजिए, कर सकते हैं तो, बाकी इस जिंदगी है चल रही है जैसे चलने दो। नो हार्ड कमेंट्स टू लाइफ, हमारे बापू ऐसा सोचते हैं तो भाई मुझे भी सोचना ही पड़ता है। खैर ये छोटा वाला पैनल तैयार हो गया, देखा आपको, इसको भी देख लेते हैं, मैनेज कर रहा है, हाँ कर रहा है, परफेक्ट बैलेंस, इसको भी छोड़ देते हैं। अब आती बारी इनकी, तो इनके लिए क्या करना होता है मैं बताता हूँ आपको, इनके लिए और इनके लिए। देखिए ऐसा नहीं है, ये सिंपल सा प्रोसेस है वैसे तो, इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं। जो मैं आपको बोला कि बिल्ड करना है तो वगैरह वगैरह तो ऐसे लगेगा कि यार क्या ही प्रोसेस बता दिया, देखना पड़ेगा उसमें कि लंबे वाले हाँ नीचे छोटे वाले लगते हैं, ये छोटे वाले चार हैं ये सबसे नीचे लगेंगे, छोटे वाले चार, ये एक लग गया, ये दो लगे, ये तीन लगे, चार, देखना कि यार ये मजबूत हो, मतलब मजबूत हो गई है बस, फिर तो मैं प्रॉपरली, बाकी कोई टेंशन है नहीं मेरे ख्याल से, कोई टेंशन होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई टेंशन है तो भाई दिखा लीजिए भाई, डॉक्टर को क्या बोलूं, ये सिंपल इसके ऊपर लग जाएगा, देख पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो तो ये करने में बड़ा मजा आता है, अच्छा टाइम पास है, अगर करने को नहीं है तो इसे वेस्ट करने को क्या मिल सकता है। अब अपनी ट्रे से सांसा लेने भैया, देख लिया पूरी तरह से टूट गया ये है ना, और टूटने के बाद में ये स्टिक्स लेते हैं, अब सारी स्टिक्स बराबर हैं तो स्टिक्स का जोड़ खत्म, सारी स्टिक्स बराबर है, इनका करना क्या होता है, ये एक नाइस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे देते हैं अभी। देखिए इस तरह से ये ऊपर लगने वाली है, उसके बाद में ये लगने वाली है ना, और उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, लोग इसे कपड़ा सुखाने की तरह यूज करते हैं लेकिन एक्चुअली कपड़ा सुखाने के लिए नहीं, सामान रख सकते हैं इसके, कुछ भी अच्छा खासा सामान रख सकता है। इसके बाद में आप सोचेंगे कि यार ये कब काम आएंगे, तो ये अभी काम आएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे काम आएंगे, एक अलग अलग टाइप। तो अब इसमें अनबॉक्सिंग तो आपको वो दिखाई दी जो करना चाहिए था, कुछ कुछ ऐसा करने का है भाई यार, वहां लाओ देने क्या करेंगे, हां
करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये है आखिरी रोड है। देखो अब इसके ऊपर आ जाता है सबसे शानदार ये वाला। जब आप सब कुछ प्रकट करते हो तो आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ डालनी है। आपका ढांचा मजबूत है तो आप ऐसे पैसे दे सकते हो। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद में पहले तो आपको ये दिखाते हैं, एक मिनट रुकिए। उसके बाद में ये देख पा रहे हो ये ढांचा कुछ ऐसा सा बना है। उसके बाद में इसको ऐसे लेटाएंगे और अब ये जो निकाले थे भाई ये सीधे ऐसे ही डाले जाएंगे भाई। टूटने का डर तो नहीं होता लेकिन देखना कि सारे एक लेवल पे सेट हो, पूरे टच होने चाहिए। जब आप थोड़ा सा जोर डालोगे तो हो जाएगी। फिर इसको ऐसे और सेम तरीके से ये हाँ अगर कुछ टूट जाता वगैरह वगैरह तो कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, अपन गलत बात भी बोलते, लेकिन जितनी मैंने यूज करके देखी है so many people think they know me but they only know my music and there's so much opportunity so hard to make the most of it